हमारा जो गूगल सीट के अंदर में हम जो लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर फ्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट यहाँ पे हम चार्ट डिक्लेयर करते हैं और ऑटोमेटिकली इसमें देखिए लाइन चार्ट ही लिया, अदरवाइज आप जाके यहाँ से लाइन चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट पर हमने क्लिक किया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सा इसका फ्लो देख पा रहे हैं कि इनका फ्लो कैसा है। ओके, अब इसमें एक चीज और भी है, अब इसके भी अपने फॉर्मेट क्लिक किया आपने तो ये आपका लाइन है कि कैसा लाइन चाहिए, डॉट लाइन में चाहिए, डैश में चाहिए, ठीक है ना। लाइन कितना मोटा होना चाहिए और इसकी साइज हाँ पिक्स होनी चाहिए क्योंकि तो इसकी जो मोटाई होती है थिकनेस होता है प्लॉट प्लॉट साइज का, इस तरह से ठीक है सर। एक गोला बन गया, हाँ सर्कल में हाँ होना चाहिए या ट्रायंगल में होना चाहिए या फिर ये स्टार होना चाहिए हर कोने पे, हाँ ठीक है सर। तो जनरली ठीक सर्कल होता है तो हमने सर्कल सही, है। और ये 14 पिक्स को हम 2 पिक्स में कन्वर्ट ये करते हैं, इसको करते हैं छोटा 2 पिक्स में और अभी इसको करते हैं सही, ठीक है। हाँ और इसी तरह से बाकी वही चीजें होती हैं, जैसे एरर बार है एरर बार डाल सकते हैं, हाँ इसके डेटा ठीक है। हाँ लेवल है डेटा लेवल डाल सकते हैं, डेटा हाँ लेवल की इसकी फॉर्मेटिंग है जो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ट्रेन लाइन है इसकी ट्रेन लाइन हो जाएगी ताकि पता चलेगा किस तरह से लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, और ट्रेन लाइन की अपनी है कलर फॉर्मेटिंग है जो कि आपने कॉलम चार्ट में, तो बाकी सारी वही चीज है फॉर्मेटिंग में जो कि आपने कॉलम चार्ट में किया था, कोई इसमें चेंज नहीं है और आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए, ठीक है सर। ठीक सब कुछ सेम है बिल्कुल। अब सेटअप में है आते हैं, अब यहाँ पे डेट है और यहाँ पे सेल्स है। अब सेल्स का यहाँ टोटल दिख रहा है, इसमें एग्रीगेट का ऑप्शन करेंगे तो इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सम चाहिए मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो चलेगा नहीं। एक कब यूज होता है जब काफी ज्यादा हमारा नंबर्स में होते हैं, मतलब कि रिपीटेटेड होते हैं वहाँ पे, आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये हमारा लाइन चार्ट, अभी जो डबल लाइन है आपका स्मूथ लाइन होता है, समझ आ गया फर्क सर। ये आपका लाइन हाँ है जिसमें कर्व होता है, इसमें होता है स्मूथ हो जाता है, हाँ मतलब कि स्मूथली ठीक है घूमता है। हाँ। उसके बाद ये आपका कॉम्बो चार्ट जो कि कल हमने बात की है। तो कल आपने बताया था। अब जैसे कि आपने लाइन चार्ट लिया तो लाइन चार्ट में ही एरिया चार्ट होता है, एरिया चार्ट लेते हैं तो लाइन चार्ट की तरह ही एरिया चार्ट होता है कि एरिया में कन्वर्ट कर देता है, हाँ मतलब जैसे लाइन भी फिल आता हो है बस जाता है। नीचे वो कलर करता चला जाता है। और इसकी आते हैं, इसकी भी अपनी एक स्टाइल होती है जिस स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे चार्ट एक्सिस में सीरीज में, वही फॉर्मेटिंग वही है जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया को पीछे दिख रहा है सर आपको, हाँ इसे मैं 10% कर दिया तो हल्का लाइट हुआ जो हल्का डिफॉल्ट 10% होता है, ठीक है। लाइट अब कलर में मैंने रेड कर दिया तो ये आपका रेड हो गया, जो कलर करेंगे वही में। अब 10% को बढ़ा के अगर मैंने 50% कर दिया तो थोड़ा सा अलग कलर हो जाएगा, 100% कर दिया तो पूरा रेड हो जाएगा, या जो भी कलर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा जो आप यूज करते हैं। इसमें भी डेटा लेबल है, डेडलाइन है, एरर चार्ट बाकी सेम वही है, बाकी वही फॉर्मेटिंग है जो फॉर्मेटिंग आप करते हैं, कोई खास चेंज नहीं। उसके बाद एरिया चार्ट के में भी इसमें एक एरिया चार्ट है जो कि स्मूथली चलता है, ये 100% का होता है, जैसे आपने 100% इसका किया था ना कॉलन का, ऐसे यहाँ भी 100% है। हाँ, ठीक उसके बाद यहाँ पे स्टॉपेट होता है, जैसे एक ये समझिए कि अभी देखिए इसमें एक जान लीजिए दोनों में फर्क क्या है, ये स्टेपेट और इसमें फर्क क्या है, ये समझिए कि एक तरह से लाइन चार्ट हो गया, ठीक है। लाइन का एरिया बना दिया, ठीक लेकिन जब इसी में आप ये करते हैं आपका स्टेपेट करते हैं तो समझिए कि एक तरह से कॉलम को एरिया बना देता है, अच्छा समझ गए, पहला वो दूसरा तीसरा चौथा सीरीज समझ ठीक है समझ गए कॉलम को। और ये आपका स्मूथ में चलता है, उसके बाद कॉलम चार्ट को डिस्कस किए, तो लाइन ठीक चार्ट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसमें, है आ गया एरिया चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और हम नहीं कॉलम चार्ट भी कर चुके हैं, बार चार्ट भी हमने समझा ही दिया, अब बात करते हैं पाई ठीक चार्ट।
पाई चार्ट का यूज होता है कंट्रीब्यूशन निकालने, इसके लिए शेयरिंग। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि जो मैं सेल है, अब इसमें जनवरी महीने फरवरी महीने, तो अगर हम ओवरऑल सेल निकालते हैं तो उसमें जनवरी का क्या रोल है, तो उस केस में कंट्रीब्यूशन शेयरिंग निकालने के लिए हम सॉर्ट करते हैं अपना पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट। ये आपका पाई चार्ट हो गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि फरवरी कितना कंट्रीब्यूशन, जनवरी कितना कंट्रीब्यूशन। अगर इसकी हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो पाई चार्ट के भी सेम फॉर्मेटिंग, वही फॉर्मेटिंग है जो फॉर्मेटिंग हमारा दिख रहा है, डोनेट कर दिया मुझे बीच का एरिया दिख रहा है आपको, बढ़ता चले लेकिन 0% कर देंगे तो पूरा पाई चार्ट। अच्छा ठीक है, स्लाइस लेबल वैल्यू कर देते तो इसको वैल्यू आ जाती है, परसेंटेज वैल्यू दोनों दिख जा रही है। बाकी पाई ऑफ स्लाइस का फॉर्मेटिंग है कि किसका क्या कलर, किस मंथ का क्या कलर होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ फलाने फलाने मंथ का फलाना फलाना कलर होना चाहिए। उसके बाद चार्ट एंड टाइटल्स की बात करें तो यहाँ पे टाइटल वगैरह जो बाकी वही चीजें हैं जो कि हमने बाकी चार्ट में यूज किया, कोई खास चेंज नहीं। हाँ इसी में आप चार्ट में बात करते हैं, पाई चार्ट में हमारा ये डोनट चार्ट दिख रहा है, डोनट चार्ट तो डोनट अच्छा, बना सकते वही वाला चीज है ना जो भी साथ में वो किया था। हाँ डोनट चार्ट है ये हमारा चार्ट आता है, पाई चार्ट ही है लेकिन थोड़ा सा 3D इफेक्ट है, ठीक है। अब डोनट को 3D कर दिया ना, अगर ये पाई चार्ट होता, अगर मैं पाई चार्ट करता इसको, अगर मैं इसको करने के बाद फिर इसमें करता ये वाला चार्ट, तो आपका इस तरह से 3D हो जाता, समझ गए, ठीक है, तो 3D इफेक्ट में आ जाए, समझ गए। हाँ ठीक है समझ गया, ये वाला तो पाई चार्ट समझ में आ गया। हाँ पाई चार्ट आ गया, सेम चीज ही है बस फॉर्मेटिंग अलग अलग है। फॉर्मेटिंग सेम है तो क्या अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग जो भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अब पाई चार्ट के बाद बात करते हैं स्कैटर चार्ट। अब स्कैटर चार्ट का यूज होता है इस तरह के डॉट्स में दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा है जैसे मान लीजिए ना ये दिख रहा है आपको, इसी के देख लेते हैं। तो ये चार्ट हमने बनाया, अगर इसमें और ज्यादा डेटा होगा तो हम घनत्व देखने के लिए यूज करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों का स्कूल में किताब में मैप बना होता था और मैप में कहाँ कहाँ पे जंगल है उसमें पेड़ का निशान बना होता था, और जितना ज्यादा पेड़ का निशान होता था उतना हम समझते थे कि ये घना जंगल, घना जंगल। तो सेम तरह से समझिए कि डॉट्स लाइन इस तरह से बना, ठीक है, समझे, थोड़ा सा समझ में मुश्किल लगा। और मैंने कि ज्यादा डेटा हो तो पता चलता है कि हाँ बहुत ज्यादा डेटा भी इसका यूज करते हैं, जितना ज्यादा डॉट्स है उतना ज्यादा समझते हैं कि ये ज्यादा चीजें है। हम बबल चार्ट की बात कर लें, अब बबल चार्ट में जितना ज्यादा बड़ा जितना बड़ा बबल है उतने होते हैं। देखिए बबल चार्ट में हम यहाँ पे दिख रहा है आपको बबल चार्ट बबल्स बनाया था, जितना ज्यादा घनत्व बबल का है उतना ज्यादा ज्यादा सही है, सिंपल सा। हालांकि इसका यूज बहुत कम हम लोग करते हैं अपने ऑफिस में, वैसे भी जब ये चीज बनाया तो तब जाता है जब चीजें इजी हो जाए थोड़ा, इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। समझा दिया ताकि अभी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते। अब इसमें आता है हमारा मैप चार्ट, ठीक है, मैप चार्ट डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक अदर चार्ट्स भी उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि वाटरफॉल चार्ट। तो वाटरफॉल चार्ट के लिए हम एक छोटा डेटा पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं वाटरफॉल चार्ट। जैसे ये देखिए ये हमारा सेल चल रहा है, राइट, इंसर्ट हमने चार्ट किया तो चार्ट में इस तरह से दिख रहा है ना, लेकिन इसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन ही दिखा रहा है। मान लो कि जनवरी में मेरा 85 सेल हुआ, फरवरी में 98 सेल हुआ, तो जनवरी फरवरी का जो क्यूमुलेटिव टोटल है वो तो नहीं देख पा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, नहीं। तो ये चीज करने के लिए हम यूज करते हैं अपना वाटरफॉल चार्ट, समझ गए, दिखा सर। तो इसमें क्या देख पा रहा हूँ हम, देखिए ना यहाँ पे कि भाई जनवरी में जो सेल था वो सेल हुआ था
कितना, अरे इसमें डेटा लेबल ऐड डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ एड डेटा लेवल देखिए, तो जनवरी में जो सेल तो था, हाँ यहाँ देखिए जनवरी में जो सेल था 85 का सेल था, फरवरी में सेल 98 हुआ, तो जनवरी फरवरी को सेल मिला के 200 के पास पहुंच गया, ठीक रहा है सर। फिर अच्छा, मार्च में जो था, मार्च में 58 सेल हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च मिला के 250 के आसपास पहुंचा। ऐसे करते 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 फाइनल बता दिया कि टोटल सेल 535, यहाँ पे टोटल नहीं है फिर भी इसने चार्ट में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया कि टोटल 535 है। इससे पता चला कि जून तक हम लोग 535 तक पहुंच गए, जून का यहाँ पहुंच गए ठीक 535 तक पहुंच गए, समझ गए सर। और मई मई तक तक मैं मैं हूँ हूँ 1.5, मतलब 1.25 सौ के साढ़े 400 करीब, लगभग। जी। अब इसकी सीक्वेंस को कम कर दीजिएगा जो बताया था गैपिंग, तो हाँ और अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वाटरफॉल चार्ट, अब चार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो चार्ट हमारा होता है उस पर बढ़ते हैं। वाटरफॉल चार्ट के बाद ये हमारा सिंबल हिस्टोग्राम चार्ट है। ठीक हिस्टोग्राम चार्ट में क्या होता है कि माने कि मंथ था या आपका जो सेल्स आ गया, तो सेल्स का पॉइंट और कैसे बढ़ता है, कि 100 तक पहुंचा तो कहाँ कितना ज़्यादा, मतलब कि 100 के आसपास जो सेल है सबसे ज़्यादा है, 4 मंथ का सेल है 100 का, ठीक है सर। है, 4 मंथ का सेल है, चौथे ये हो गया, महीने का ये सेल है। ग्रुप हो गया, ग्रुप वाइज हो गया कि 0 से 55 का कोई सेल नहीं है, 55 to 64 के बीच में एक सेल हुआ, और 84 टू ठीक 73 के बीच में कोई सेल नहीं है, 73 से 82 के बीच में कोई सेल नहीं है, 82 से 90 के बीच में एक सेल है, 91 से 100 के बीच में कितना सेल है, 5 सेल है, चार चार पांच और छह, टोटल 6 सेल है ना यहाँ दिखा, हाँ तो एक ग्रुप सिस्टम कर देता है। और इसकी कैटेगरी के अंदर में हिस्टोग्राम वगैरह है, आप यहाँ पे चार्ट एक्सिस का है और तो है, और इसकी सेम फॉर्मेटिंग वही है जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं, वही फॉर्मेटिंग। ओके और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है मिनिमम वैल्यू, हमने बोला कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 100 हो, ठीक है। और ये देखिए ये आता है और यहाँ पे स्केल आता है ऑटो है, हमने बोला कि नहीं 30 डिग्री का, 30 डिग्री पे ये आपका 100 घूम गया, और ये 20 20 का गैप दिखा रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब क्या? ये एंगल चेंज हो गया, तेरा हो गया, नहीं दिख रहा, दिखा कि नहीं दिखा, अब जो सूरज लिखा निकल हुआ है गया, वो टेढ़ा हो गया। वही है और कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसमें कितना का स्लैब होगा वो आप यहाँ फिट नहीं कर सकते, वो अपने आप डेटा की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक ये हमारा हिस्टोग्राम चार्ट का, ठीक है। ठीक उसके बाद रेडार चार्ट आता है, रेडार में दिखाता है कि भाई कौन सा कितना घूम रहा है, इसका यूज बहुत कम होता है, हम अक्सर भी इसका यूज नहीं करते हैं। हिस्टोग्राम इसका यूज तो करते हैं बट इसका भी, ये आपका गैंट चार्ट आता है, ये हर महीने का मीटर फॉर्मेट में दिखाता है कितना होगा, और इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे गज पे आते हैं, यहाँ पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है, यहाँ पे अपना कलर दे सकते हैं कि कलर कितना होना चाहिए, ये तो हो गया आपका गैज रेंज, ये आता है आपको कलर रेंज, तो हमने बोला रेड जो होना चाहिए वो 10 पे होना चाहिए, 0 to 50, ठीक है सर। हाँ 0 to मैं एक काम करता हूँ 10 करता हूँ,
और ग्री यहाँ पे ग्री येलो चाहिए यहाँ पे 10 to 10, नहीं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, 12 to, मैंने बोल दिया 30। और ग्रीन होना चाहिए 35 to 100, समझ गए। तो बस ये फॉर्मेटिंग है, इससे ऐसे कोई लेना देना तो है नहीं। हाँ फॉर्मेटिंग में तो यहाँ पे मीटर बन गया ना, ताकि पता तो चले कि यहाँ पे क्या पहुंच रहा है। मतलब आपने यहाँ पे एक रेंज ले लिया कि आपका मीटर कितने से कितना तक होना चाहिए। आप तो इसमें उससे जनरली हम लोग, लेना। हाँ जनरली तो बहुत सारा होगा ना जनरली, लेकिन हम लोग एक में करते, जैसे मान लीजिए पूरा में नहीं करते, हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल और यहाँ पे से हम सेल करते हैं, तो टारगेट कितना परसेंट अचीव किया ये सब चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं सम। अब इसमें हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे चार्ट, सॉरी रेंज पूरा ले लिया, तो यहाँ रेंज में हम सिर्फ देते हैं ना, एच चल हट गया H2, टू। नो डेटा आ रहा। हाँ इसके नो बाद हम डेटा। चार्ट में आते हैं और इसको गट चार्ट में क्लिक करते हैं। अच्छा मुझे इसको H1 से H2 करना चाहिए था। नो डेटा क्यों दिख रहा। अच्छा इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करके और यहाँ गोला पे लगा थोड़ा सा इसलिए। इसको, नहीं फॉर्मूला से मतलब नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट चार्ट, इसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं गट चार्ट। ठीक है सर, ठीक है। इस तरह के मीटर बनाने का काम हम लोग गैंट चार्ट से करते हैं। और मैं चार्ट इसका समझ नहीं पा रहा, इसका यूज कर ही क्यों रहे हैं देखिए, और क्यों होता है ये। मान लीजिए ना आपका टोटल सेल था, लेकिन आपका जो अचीव था 0 से लेके 1000 तक का अचीव था, ठीक है। ठीक है, और आपका जो यहाँ इंडिकेट करना है कि आपका मीटर जो है किस पे है, तो भाई 0 से 100 तक जो है रेड जोन में आता है कि भाई बहुत पुअर सेल गया। ठीक है। फिर यहाँ पे 110 से 250 तक ऑरेंज जोन जाता है कि हाँ सेल हुआ है लेकिन पुअर से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ठीक उसके बाद हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको 275 से, सॉरी ए हो गया, मान लीजिए 300 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक 300 से मैं यहाँ कर देता हूँ 700, 700 से 1000, मतलब कि मेरा इस मैंने जून तक की सेल हमारी ऑरेंज जोन में ही है, ग्रीन जोन में नहीं गई है। अच्छा, सुनाया कि अभी नहीं? समझ में आया। अब समझ में आया। पीछे अगर इसकी सुन जाने वैल्यू के बाद यहाँ से इसकी वैल्यू साढ़े 250 करना एक बार, टोटल को 250 करना एक बार, ये अपने आप से रेड जोन में आ जाएगा ना फिर तो। जी, यहाँ अगर यहाँ पे अगर 250 आपने यूज करिए। किया 250 रेड जोन में आ जाएगी, जैसे ठीक है। और गाड़ी इसको के मीटर होती है ना उस तरह से, हाँ, फिर अब इसको 700 एक बार करिए। 700 करेंगे तो आ जाएगा, 800 करिए आ सेवन गया, ठीक है, समझ गया। समझ गए ना ठीक विदाउट इसमें। तो ये हमारा गट चार्ट होता है जिसका हम इस्तेमाल, ठीक है। बाकी अगर आपको एक ठीक एक टोटल दिखाना हो, जैसे माने कहीं पे टोटल इस तरह का फॉर्म में दिखाना हो, तो इसका यूज करते हैं। होता है है। रिपोर्ट्स वगैरह में हमें टोटल शो करना होता है, तो आप हाँ टोटल शो करके चार्ट वार्ट लगाएंगे, उससे अच्छा है कि इसको दिखा रहे, कनेक्टेड रहता है। ए चार्ट आपको इसके लिए अलग डेटा बनाना पड़ेगा, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। फिर आता है आपका ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ए इसके लिए भी अलग डेटा बनाना, इसका अलग से समझाना पड़ेगा। ये आपका ट्री मैप चार्ट आता है। ट्री मैप चार्ट क्या होता है, इसको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता
ये शेयरिंग दिखाता है कि कितना एरिया कैप्चर कर रहा है, समझे। ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको ट्री मैप चार्ट। कह रहा है सेल रिक्वायर्ड डॉट एटलीस्ट करके तीन तीन कॉलम या कॉलम, दो तीन कॉलम पे कॉलम हम पे यूज करें, एक कॉलम और कह रहा है ऐड करने के इसका भी डेटा बनाना पड़ेगा। इसका डेटा नहीं है, इसका डेटा एक बनाऊंगा तो आपको बता, ठीक है। लिए। ठीक बाकी आपका टाइमलाइन चार्ट है, इसके लिए डेटा चाहिए। सबसे पहले डेटा अलग अलग चाहिए, ठीक है, ये अलग होता है। उसके बाद टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो इस तरह से ले सकते हैं, आपको टेबल फॉर्मेट में दे देगा। ओके, तो अभी इस सब की प्रैक्टिस कर लें, कल हम बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैप चार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगी मैप हाँ चार्ट, ठीक है, मैप चार्ट के बाद हम बात करेंगे बाकी जो चार्ट्स हैं इनके बारे में, तीन चार्ट रह गए उसके बारे में, ठीक है। ठीक है। तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए।